फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। हमने आपका सिक्स क्लास का साइंस का फिफ्थ चैप्टर स्टार्ट किया था। चैप्टर नेम था स्टूडेंट्स हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस, मतलब कि हमें दो तीन सब्सटेंस को मिक्स करके दिया जाता है, मिक्सर बना के दिया जाता है और हमें उनको अलग अलग सेपरेट करना है। हमें उनके अलग अलग सेपरेट करने के तरीकों के बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला मेथड हमारा हैंड पिकिंग था स्टूडेंट्स। हैंड पिकिंग में हमने देखा था हम सिर्फ उन्हीं पार्टिकल्स को, उन्हीं सब्सटेंस को सेपरेट कर सकते हैं जिन्हें हम आसानी से देख के ये पता कर सकते हैं कि ये सब्सटेंस अलग है और ये अलग है, ताकि हमें हाथ से उठाने में आसानी हो सके। दूसरा हमारा स्टूडेंट्स थ्रेसिंग था। थ्रेसिंग में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी सब्सटेंस को हम क्या है करते हैं, थ्रेसिंग की प्रोसेस हेल्प से हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं सब्सटेंस को। इस प्रोसेस में कैसे सब्सटेंस को सेपरेट किया जाता है, जिनमें से एक सब्सटेंस क्या हो, लार्जर साइज का हो और एक मिनिमम साइज का हो या लाइटर हो। थर्ड हमने देखा था विनोविंग। विनोविंग में क्या था स्टूडेंट्स, हम किसी भी मिक्सचर को अपनी हाइट के अकॉर्डिंग ले जाके उसको हवा में सेपरेट कर सकते हैं। उनमें से क्या था, जो पार्टिकल्स हैं एक हैवी होना चाहिए और एक लाइटर होना चाहिए इस प्रोसेस के लिए, ताकि जो हैवी पार्टिकल है जब हम सेपरेट करें हवा में तो वो नीचे की तरफ ही गिर जाए, जो लाइटर है हवा के साथ है आगे की तरफ चला जाए। इससे नेक्स्ट मेथड था स्टूडेंट्स हमारा सीविंग, जिसे हम चालन विधि या सीविंग मेथड बोलते हैं। इसमें क्या है स्टूडेंट्स, सीविंग का मतलब छलनी का यूज करके हम पार्टिकल को सेपरेट करते हैं। इनमें क्या था कि एक पार्टिकल का साइज थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए और एक साइज पार्टिकल का साइज थोड़ा सा छोटा होना चाहिए। ऐसे पार्टिकल्स को हम इस मेथड के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। आगे आता है स्टूडेंट्स हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में क्या होता है स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी लिक्विड के अंदर कोई सब्सटेंस मिक्स करते हैं, डिजॉल्व करते हैं, वो सब्सटेंस जब उसके नीचे जाके बॉटम में सेट डाउन हो जाता है, वहाँ जाके सेट हो जाता है, तो इस सेट डाउन होने को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट, और इस प्रोसेस में स्टूडेंट्स क्या होना चाहिए, एक लिक्विड होएगा और जो कंपोनेंट हम मतलब कि जो सब्सटेंस जो मिक्सचर उस लिक्विड में डाल रहे हैं उसमें से एक हैवी होगा और एक लाइटर होगा। तो जो हैवी पार्टिकल होगा स्टूडेंट्स, जो हैवी सब्सटेंस होगा, जब हम उस मिक्सचर को लिक्विड में डिजोल्व करेंगे तो वो क्या है, उसके बॉटम में जाके सेट डाउन हो जाएगा। उसके सेट डाउन होने को ही हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। व्हेन द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वॉटर इज एडिड टू इट, द प्रोसेस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। मतलब जब हम किसी मिक्सचर को वॉटर मिक्सचर में वॉटर को ऐड करते हैं तो जो मिक्सचर का हैवियर कंपोनेंट होता है वो वाटर जिस भी कंटेनर में वेसल में डालते हैं उस वेसल के बॉटम में सेट डाउन हो जाता है। इस सेट डाउन होने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन बोलते हैं। सेकंड आता है हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो सेडिमेंटेशन हो गया, सेडिमेंटेशन के होने के बाद जब हम वॉटर को वेसल से रिमूव करते हैं उस कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। डिकेंटेशन क्या है स्टूडेंट्स, सेडिमेंटेशन होने के बाद जब हम उस मिक्सचर से वॉटर को रिमूव करते हैं
तो उसे रिमूव करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकंडेशन. व्हेन द वाटर विद द डस्ट अलोंग विद, क्योंकि जो लाइटर पार्टिकल होगा वो तो उसमें डिजोल्व होगा, मान लो डस्ट थी उसमें साथ हैवियर पार्टिकल के, तो उसके साथ क्या होगी, डिजोल्व हो जाएगी. अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड द प्रोसेस इज कॉल्ड, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकंडेशन. अब देखो स्टूडेंट्स क्या है, हमने वाटर को रिमूव कर लिया. उससे पहले हमने सेडिमेंटेशन को देखा था. वाटर को रिमूव करने की प्रोसेस को हमने बोला डिकंडेशन, और जब हैवियर कंपोनेंट उसमें सेट डाउन हो गया था उसको बोला हमने सेडिमेंटेशन. अब इस प्रोसेस से ना स्टूडेंट्स हम बहुत सारे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, जिनमें एक कंपोनेंट हैवी हो और एक लाइटर हो, जो वाटर में डिजोल्व होकर वाटर के साथ रिमूव कर सकते हो, और एक उसके बॉटम में जाके सेट डाउन हो उसके. ऐसे ही कुछ लिक्विड्स के मिक्सचर भी होते हैं स्टूडेंट्स, जिनको हम इस मेथड से सेपरेट कर सकते हैं. जैसे अब मान लो आपने ऑयल एंड वाटर दोनों को मिक्स कर लिया, फॉर्म अ मिक्सचर, मिक्सचर बना लिया ऑयल का और वाटर का इन अ बीकर, किसी भी एक बर्तन में. उसके बाद क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको अगर हम कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, क्या करेंगे इसको, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें, तो उसके अगर हम कुछ टाइम बाद देखेंगे, इफ वी स्टे इट फॉर स्टैंड इट फॉर सम टाइम, अगर हम इसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दें तो क्या होगा, दिस बोथ लिक्विड फॉर्म डिफरेंट लेयर. तो ऐसे ये लिक्विड क्या करेंगे, अपने डिफरेंट डिफरेंट लेयर फॉर्म कर लेंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, डिकंडेशन के थ्रू हम सेपरेट कर लेंगे, कोई दूसरा बिकर लेंगे, स्लोली स्लोली ऊपर से उसको दूसरे बिकर में डालेंगे, और क्या है, दोनों मिक्सचर को सेपरेट कर लेंगे. देखो स्टूडेंट्स कुछ मिक्सर ऐसे होते हैं जो सेडिमेंटेशन और डिकंडेशन से हम प्रॉपरली क्या है, सेपरेट नहीं कर सकते, तो उनके लिए हम क्या प्रोसेस यूज करते हैं, फिल्ट्रेशन यूज करते हैं, मतलब कि उनको फिल्टर करते हैं. फिल्टर किसकी हेल्प से करते हैं स्टूडेंट्स, या तो स्ट्रेनर की हेल्प से, छलनी की हेल्प से, या फिर किसी क्लॉथ की हेल्प से, क्योंकि क्लॉथ में क्या होता है, छोटे छोटे होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, बट इनसे क्या है, क्या पता हमारा प्रॉपर ना हो. सबसे अच्छा फिल्टर करने का जो हमारे पास सोर्स होगा वो होगा हमारा फिल्टर पेपर. फिल्टर पेपर का यूज करके हम किसी भी मिक्सचर को आसानी से क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, इजीली सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी हैवियर पार्टिकल्स होंगे, हैवियर कंपोनेंट होंगे मिक्सचर के, वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाएंगे, उसके पोर्स को पास आउट नहीं कर पाएंगे, और जो लाइटर होगा, जो लिक्विड फॉर्म में होगा, वो क्या है, नीचे सेपरेट हो जाएगा. अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम फिल्ट्रेशन का यूज करें तो क्या करेंगे, मान लो हमने चाय बना ली. चाय में आपको पता है हम सब पत्ती डालते हैं, जैसे हम टी लीफ बोलते हैं. व्हेन वी सेपरेट टी लीव्स फ्रॉम
After preparing tea, we use strainer as a filter and separate tea leaf from tea. This process is called filtration. देखो स्टूडेंट्स, एक क्या था इसमें, हैवी कंपोनेंट था, एक लिक्विड की फॉर्म में था, स्ट्रेनर की हेल्प से हमने फिल्टर किया उसको, तो क्या हुआ हमारा कि हमने जो टी लीफ थी, जब स्ट्रेनर की हेल्प से फिल्टर किया, टी लीफ तो स्ट्रेनर में रह जाएंगी और चाय है हमारी जो फिल्टर होके नीचे वाले वेसल में आ जाएगी जो हमें नीचे रखेंगी। ये हो गया स्टूडेंट्स। अब कुछ इम्प्योरिटीज ऐसी होती हैं स्टूडेंट्स जो क्या है, वाटर में इन मेथड से फिल्टर हम आसानी से इजीली सेपरेट नहीं कर सकते, तो उन इम्प्योरिटीज को सेपरेट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फिल्टर पेपर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स आपका इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी हम किसी भी लिक्विड को बॉयल करते हैं तो वो लिक्विड वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके क्या होता है, डिसअपीयर हो जाता है। तो वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके डिसअपीयर हो जाना क्या बोला जाता है, हमारा इवेपोरेशन। देखो एग्जांपल के तौर पे आप कपड़े सुखाते हो गर्मियों में सनलाइट की प्रेजेंस में, तो कपड़े क्या है थोड़े टाइम बाद अपने आप सूख जाते हैं, जो उनके अंदर का वाटर होता है वो रिमूव हो जाता है। बट क्या है, हमें वाटर रिमूव होता दिखाई देता है, नहीं होता, वो वेपर की फॉर्म में क्या है, डिसअपीयर हो जाता है, उनका वाटर वेपर की फॉर्म में गायब हो जाता है और हमारे क्लोथिस क्या है, सूख जाते हैं। देखो स्टूडेंट्स, तो हमारा इवेपोरेशन क्या होएगा, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन, किसका कन्वर्जन, ऑफ वाटर, वाटर का कन्वर्जन होएगा, वाटर कन्वर्ट होएगा किसके अंदर, इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। क्या हुआ, वाटर का वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट होके डिसअपीयर होना हमारा क्या होता है, इवेपोरेशन होता है। जब किसी भी वाटर को हम, किसी भी लिक्विड को स्टूडेंट्स हम बॉयल करते हैं, तो वेपर अगर हम उसको बॉयल करते रहें तो क्या है, जब उसके वेपर बनने स्टार्ट हो जाते हैं तो हम देखते हैं जिस भी बिकर में हमने वो लिक्विड या वाटर डाला था तो क्या है, हमारा धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरा एग्जांपल था हमारा किसका, क्लोथिस का, वाटर बैठ, क्योंकि वाटर क्यों होता है रिमूव स्टूडेंट्स सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोथिस से, वाटर क्या है, हीट की प्रेजेंस से हीट होना स्टार्ट हो जाता है, फिर वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है और इस तरह से वो रिमूव हो जाता है, सनलाइट की प्रेजेंस में वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, इवेपोरेशन हो जाता है। तो ये हमारा इवेपोरेशन था। नेक्स्ट आता है हमारा क्या, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में स्टूडेंट्स क्या होता है, जब भी किसी भी लिक्विड के वेपर वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। मतलब कि कोई बॉयल चीज की हुई चीज़ है, आपने वाटर को बॉयल किया और उसको ढक दिया,
तो क्या है, उसमें जो वेपर बन रहे थे वो बाहर नहीं गई, उस प्लेट की वजह से जो आपने उस बीकर के ऊपर रखी है वो उस प्लेट पे जाके और क्या है फोर्स लगती है तो वही रह जाते हैं। और फिर क्या होता है, जो वेपर्स थे वो वाटर की, आप देखते हैं छोटी छोटी बूंदें उस प्लेट के ऊपर लगी होती हैं, तो वाटर में कन्वर्ट हो जाती हैं वापस से और क्या है कंडेंसेशन हो जाता है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर, सॉरी वाटर नहीं आएगा, वाटर तो इवेपोरेशन में कन्वर्ट होगा ना, वाटर वेपर कन्वर्ट होएगी कंडेंसेशन में। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स लिक्विड, इसकी वाटर वेपर की वाटर वेपर का लिक्विड में कन्वर्ट होना क्या होएगा हमारा कंडेंसेशन, फॉर्म इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन।